हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, जब भी आप साइकिलिंग करते हो, आप अपने साथ स्पेयर्स रखते हो, काफ़ी सारी चीज़ें रखते हो, और जो साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं उनके पास स्पेयर टायर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्पेयर्स, कैसेट, चेन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए यानी साल दो साल अगर रखना है तो जैसे चेन हो गई, कैसेट हो गई, ठीक है, ब्रेक वायर्स हो गई, ये चीज़ें अगर आप मॉइस्चर कंटेंट से थोड़ा बचा के रखें तो उनमें रस्ट लगने से आप रोक सकते हो। बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप कभी कभी यूज़ करते हो, कभी कभी साइकिल से उतार के रख देते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने कोलनागों पे जो मेरे पास टायर है 700 वाले, मेरे पास दो टायर थे, एक यानी दो टायर 23 mm के, दो टायर 25 mm के। तो मैंने क्या किया हुआ था, फ्रंट में 23 और रियर में 25 डाला हुआ था। तो थोड़ा टाइम मैं चेंज कर देता था, थोड़ा टाइम दूसरे में यूज़ कर लेता था। और मेरा ये है भी, मैं जब ट्राइबन 5 यूज़ करता हूँ, ठीक है, जब ये ट्राइबन 5 यूज़ करता हूँ, मैं इसको यूजली मैं तब यूज़ करने की कोशिश करता हूँ जब बारिश ना हो रही हो। इसको पानी के बीच में से नहीं निकालता हूँ क्योंकि मैंने इसमें कॉस्मेटिक्स की हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाले, ये ओरिजिनल नहीं है, ये थर्मोकोल से बनाया गया, मैंने अपने हाथ से बनाया है। तो ये ख़राब ना हो क्योंकि इसके ऊपर मैंने फेविकोल लगा रखी है। सीधा आप डायरेक्ट पेंट करोगे थर्मोकोल पे, जो पेंट है वो खा जाएगा थर्मोकोल को। तो मैंने ऊपर फेविकोल की एक लेयर बनाकर उसके ऊपर पेंट किया। तो मैं हमेशा ट्राइबन 5 को कभी भी पानी में नहीं लेके गया, बारिश में नहीं चलाया। तो जो इसके टायर्स हैं, ठीक है, जो इसके पुराने वाले जो इसके साथ मिले थे टायर्स, वो अभी तक अच्छी क्वालिटी के यानी अच्छे खासे चल रहे हैं। उसमें मैं तो बताता हूँ आपको, जैसे ये टायर है, ये सॉलिड टायर है, ठीक है, इसको आप फोल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ये चीज़ होती है, ठीक है, ये अंदर एक वायर होती है, स्टील वायर, ठीक है, स्टील की होती है। और अगर आपका टायर पानी में पड़ा रहे तो ये स्टील वायर को जंग लग सकता है, फूल सकता है, यहाँ से रस्टिंग हो सकती है। तो ये वाली साइकिल पे मैंने नोटिस किया, लगभग 9000 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ, पर इसको कभी रस्ट नहीं लगी क्योंकि पानी के अंदर से लेके नहीं गया। बट ये वाला टायर कोलनागो का है, ये हाल ही में मैंने अभी 1-1.5 साल चला कर फिर चेंज किया, काफ़ी टाइम बाद चेंज किया। तो इसमें मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसमें जो वायर बीड है इसकी, तो इसमें काफ़ी जगह पे ना रस्टिंग हो रखी है। तो जो वैसे भी मैंने रख रखा था स्पेयर वाला, उस पर भी हो रखी थी रस्टिंग। अब ये मैंने पहले ही नोटिस किया, बट जब मैं चला रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ना टूट टूट के जो बाहर वाली ये रबर, ये हार्ड हो गई थी, और अंदर से जो रस्ट थी, रस्ट की वजह से फूल गई थी और ये वाली रबर उतर रही थी। तो मैंने बड़ी ज़बरदस्ती, ठीक है, बड़े ध्यान से ही पास में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये अंदर से जो स्टील वायर है, इसको रस्ट लगने के बाद ये फूल चुकी है और ये ऊपर से रबड़ निकल गई है। बट फिर भी मैं इन टायर्स को, मैंने जो दूसरे वाले टायर से उसको मैंने लगा दिया है कोलनागो पे, क्योंकि ये वाला साइकिल है, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, ये देखो क्रैक हुआ रखा है, बट फिर भी ये टायर अच्छा चल रहा है। अब जितना महंगा आपका टायर हो, ठीक है, ये चीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो ये बीड होती है, इसको बीड बोलते हैं, जो स्टील वायर है ना, इसको असल में बीड बोलते हैं। इसकी जो बीड है स्टील वायर की है, और जो बहुत थोड़े महंगे टायर्स होते हैं, थोड़े अच्छे टायर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, नायलॉन की होती है। तो नायलॉन वाले जो टायर होते हैं वो फोल्डेबल होते हैं, तो उसमें यह रस्टिंग नहीं लगेगी। हाँ, उसमें आपका जो रबर का कंपाउंड है वो मे भी ख़राब हो जाए, उसमें क्रैक पड़ने शुरू हो जाए, बट फिर भी जब तक आपकी केसिंग, इसके अंदर एक धागेों की परत होती है जो इसकी असली स्ट्रेंथ होती है टायर की, जब तक वो केसिंग सही सलामत है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कोलनागो पे जो पुराने वाले टायर थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रस्ट लगा था, मैं वीडियो नहीं बनाया, बट जब मैंने दोनों फ्रंट और बैक दोनों टायर मैंने चेंज किए तो नीचे काफ़ी ज़्यादा रस्ट जब टूट के गिरती है ना, वो पड़ी हुई थी।
और मैंने सोचा चलो टेस्ट करता हूँ, सेफ तो नहीं लग रहा बट इतना भी बहुत ज़्यादा फेलियर तो नहीं होने वाला, अगर होगा तो ट्यूब फट जाएगी और पता लग जाएगा। हाँ ज़्यादा स्पीड पे अगर मैं चलाता हूँ तो रिस्की हो सकता है, बट वो मैं ज़्यादातर स्लो ही चला रहा हूँ, तो 100-200 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक, कोई मेरे को उसमें परेशानी नहीं आई है, इसीलिए मैं वही साइकिल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस पर जो खर्चा कम आएगा, क्योंकि ये साइकिल है इसमें जो व्हील है 650 है, और इसका भी इंडिया में जैसे कि टायर आने बंद हो गए, बीटवीन का टायर आता था 500 में मिलता था, जबकि जो बड़ा टायर होता है वो 800-900 का आता था, लास्ट में बंद होने से पहले 800 का टायर था। अब इसका टायर बाहर से अगर मैं लेके आऊँगा, जैसे ये विटोरिया का टायर मैंने डाल रखा है, तो ये 3500-4000 का एक टायर मिलेगा, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ जो अपने कोलनाको है उसी को यूज़ करने का, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर पार्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, आप उसमें थोड़ी कॉस्ट कटिंग करके चला सकते हो, बट इस वाली साइकिल में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसमें 9 स्पीड चेन है, 9 स्पीड महंगी है, उसमें 8 स्पीड चेन है, 8 स्पीड थोड़ी सस्ती है, उसकी आ जाएगी 800 की, पहले 600 की होती थी, इसकी पहले 1000 की होती थी, अभी आएगी 1300 या 1500 की, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ उसको ही, मैं ज़्यादा घिसाऊँ इस पर, ज़्यादा खर्चा ना करूँ चला कर। तो मैंने सोचा एक नई चीज़ मैंने फाइंड आउट की है आपके साथ शेयर करूँ, कि अगर आप स्पेयर टायर घर पे रखते हो, ये स्टील वाले वायर बीड वाले, ठीक है, तो उनके साथ ऐसा हो सकता है अगर आप लॉन्ग स्टोरेज करके रखते हो, तो जब आपको यूज़ पड़े, जब आपको ज़रूरत पड़े तभी टायर लो, बहुत लंबे देर तक अगर आप स्टोर करके रखोगे, महंगा टायर है तो ये सब चीज़ों का, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है, ठीक है, बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बहुत सारे आप में से सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, बेसिकली व्यूअर्स हैं बहुत सारे, लगभग 90% से ऊपर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वीडियो को हमेशा लाइक कर देना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब ये वीडियो को आगे प्रमोट करता है, आगे और लोगों तक पहुंचाता है, ये तरीका होता है यूट्यूब का जानने का वीडियो में कुछ दम है कि नहीं, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ये चीज़ उसको पता लग जाएगी। तो होपफुली दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैं लास्ट संडे ब्रेवे गया था, नाइट ब्रेवे, तो वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, वो भी एडिट करना स्टार्ट करूँगा और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, बहुत लंबी वीडियो है, 1 घंटे से ऊपर का अभी है टाइम उसमें, अब उसको शॉर्ट करना है, आप बताओ उसको शॉर्ट करूं या लंबी ही रखूं, उसमें पार्ट्स बना दूं, क्या करना चाहिए मेरे को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो एडिट करके, और मेरी भी यादगार बन जाएगी, क्योंकि मुश्किल होता है जब आप में बॉडी में पावर नहीं है इतना ज़्यादा साइकिल चलाने की, और कंसंट्रेशन सारी साइकिल में होती है, उसके साथ साथ आप रिकॉर्ड करो, उसके साथ साथ आप वीडियो बनाओ, बहुत मुश्किल का काम है, और स्पेशली रात को। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों ये वाली, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।